नमस्कार, धर्म ज्ञान के खास पेशकश दैनिक राशिफल में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। सर आपका स्वागत। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अब तक हम आपके लिए मासिक और वार्षिक राशिफल लेकर आते थे, लेकिन इस फरवरी से हम आपके लिए दैनिक राशिफल लेकर आए हैं ताकि आप जान सकें कि ज्योतिष विद्या के सहारे आखिरकार आपका भविष्य कैसा हो सकता है। एक संभावना होती है, एक संकेत होता है कि आज आपका दिन कैसा जाएगा, जिसमें हम आपको बताते हैं राशि अनुसार क्या कहता है आपका दैनिक राशिफल। आप जानते हैं कि आखिरकार आपको समझाते हैं कि आखिरकार आज ही के दिन जन्मे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा और छोटे मोटे उपाय जिसके करने से ना सिर्फ आपका भाग्य संवरेगा बल्कि आपका पूरा का पूरा दिन मंगलमय जाएगा। और आइए फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं कि आखिरकार 28 फरवरी साल 2020 कहें कि शुक्रवार का ये दिन क्या कहता है इसका पंचांग। आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तिथि जो है आपकी पंचमी तिथि है, रात्रि में 5:27 तक है और अश्विनी नक्षत्र जो है वह रात्रि में 12:55 तक है। साथ ही योग जो है वो शुक्ल योग है और वपकरण है और चंद्रमा की जो राशि है वो मेष राशि है। सूर्योदय और सूर्यास्त की बात हम लोग कर लें तो आज 6:16 पर सूर्योदय है और 17:44 पर आपको सूर्यास्त है। ग्रहों की स्थिति आज जो है, सूर्य जो है वह कुंभ राशि में है और मंगल जो है वो धनु राशि में है। आज जो है गुरु जो है वो भी धनु राशि में है और आपके शुक्रदेव जो है वो मीन राशि में है, शनि जो है वो मकर राशि में है और मिथुन राशि में राहु है और धनु राशि में आपके केतु विराजमान है। ग्रहों की स्थिति यही बनी हुई है। शुक्रवार के दिन दक्षिण और पश्चिम की तरफ दिशाशूल रहता है। इधर अगर आपको जाना हो तो निश्चित रूप से जौ जो होता है या राई होता है उसको खाकर आप निकलिए, 5 कदम पीछे आ जाइए। उसके बाद चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, इस मंत्र को पढ़ते हुए आप आगे बढ़े। और खासकर आज आपको ध्यान देना होगा कि आज के दिन 10:30 से लेकर 12 बजे तक राहु काल है, इसमें संभल कर आगे बढ़े। तो आज के दिन ग्रह नक्षत्र आपकी राशि में क्या खेल दिखा सकते हैं, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सुगम उत्तम और काफ़ी बेहतर समय बना हुआ है। आज आप बेहतर करेंगे, प्रयासरत रहें कि कार्यों को लेकर आप आगे बढ़ें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, समय बेहतरी वाला है। नए कार्यों को लेकर या कुछ पुराने जो काम आपके लंबित थे उसको भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रवार का ये दिन कितना खास रहेगा। वृषभ राशि वाले के लिए आज का दिन अनुकूलता वाला है, वृद्धि वाला है, कार्यों को लेकर आगे बढ़ने वाला है। मानसिक शांति के साथ साथ आप आगे बढ़े, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार अब मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वालों के लिए अनुकूलता के साथ साथ आप जिन लोगों के साथ हैं उन लोगों के सरोकार से आपके वृद्धि होने के जोग बनेंगे। आज कोई ऐसा मिल जाएगा या आपके दोस्त कुछ ऐसा सुझाव दे देंगे या आपके मित्र भी या आपके भाई भी कुछ ऐसा सुझाव देंगे जिस पे अगर आप अमल करते हैं तो आर्थिक लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं हम अपनी अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अपने आप को बेहतर करने का पहले से प्रातःकालीन ही तैयारी कर लेना होगा। जैसे योद्धा युद्ध करने जाता है तो आपको अपनी रूटीन का दिन भर का पहले ही तैयारी कर लेना होगा कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। कहने का मतलब है कि आप पहले से तैयारी किए रहेंगे तो कार्यस्थली पे जाकर अधिकारियों का कुपभाजन नहीं होना पड़ेगा, आप सही तरीके से कार्य को ससमय संपादित कर देंगे तो लाभ मिलेगा। तो ये तो हमने जाना है कि आखिरकार मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं आखिरकार आज का दिन उनका कैसा जाने वाला है। और अब हम जानते हैं आखिरकार सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कितना खास रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए अनुकूलता के जोग बने हुए, आपके राशि के स्वामी कुंभ राशि में विराजमान है, थोड़ा पेट पे ध्यान देने की जरूरत है और वाहन आदि भी थोड़ी धीमे गति से चलाने की जरूरत है, अन्यथा थोड़ी परेशानी या चोट चपेट या किसी प्रकार के अकारण कष्ट हो सकते हैं, पाँव में चोट लग सकता है, इसलिए
संभल कर वाहन आदि चलावें। यानी कि सेहत संबंधित दिक्कतें आज आपको थोड़ी बहुत झेलनी पड़ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आइए फटाफट से जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कितना खास है। कन्या राशि वालों के लिए भाइयों से लाभ मिलने का योग है, या भाई आपके यहाँ आ सकते हैं, या भाई तुल्य कोई आदमी आपके कार्यों में बेहतर मदद कर सकता है। अधिकारियों की सानिध्यता प्राप्त होगी आज जो है। अधिकारियों के साथ तो बेहतर आप हैं, लेकिन आपके नीचे जो प्यून वर्ग के लोग हैं या जो लोग हैं आपके जो भी कर्मचारी हैं उनके साथ मधुरता के साथ पेश आवें। चलिए अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए शुक्रवार का ये दिन कितना खास रहेगा। तुला राशि वालों के लिए सुखकारी है, उन्नति वाला बना हुआ है, लाभ वाला बना हुआ है। संयमित होकर वाहन आदि भी संयमित होकर चलावें और किसी से बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर बात न करें और अपनी बात कहने के लिए शांति के साथ पेश आवे। जी बिल्कुल, एक सकारात्मक सोच के साथ अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए आपको जो नतीजन, जो एक फल मिलता है, जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी सकारात्मक ही होते हैं, पॉजिटिव्स रहते हैं। तो ये तो हमने जाना कि आखिरकार बात करें कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है आज के दिन। वृश्चिक राशि वाले के लिए अनुकूलता वाला बना हुआ है। आपके जो भी पहले के परेशानी है, पहले की जो भी परेशानियां आपका पीछा कर रही हैं, आप लाख परेशानी में हैं, लेकिन इसी में आपको बंद द्वार में द्वार मिलेंगे, मतलब उन्नति भी आपकी होने वाली है। आप अपने आप को बेहतर करने के लिए केवल घोड़े के जैसा, आप देखते हैं कि घोड़े के दोनों तरफ आप उसको लगाया जाता है, वो किसी चीज़ का लगाया बनाया, हाँ फोकस रहता है। आप ऐसे ही वैसे ही अर्जुन के जैसा अपना लक्ष्य तय करें और कार्यों को लेकर आगे बढ़े, लाभ मिलेगा। चलिए धनु पर जाने से पहले एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अगर आपकी भी आपके जीवन में कोई समस्या है, कुंडली का विश्लेषण अगर आप देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बस हमारा सिर्फ आपसे यही निवेदन रहता है कि समाधान जानने के लिए आपको अपनी सटीक जानकारी देने के साथ साथ समय भी दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए आज का दिन, जी हाँ, शुक्रवार कैसा रहेगा। धनु राशि वाले आज के दिन बेहतर करेंगे और समय पहले से दिन पर दिन बेहतरी की तरफ बढ़ने वाला है। आप योजना बनाएंगे तो आज से बेहतर कल रहेंगे। आपको केवल अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना है। आप अपने आप को रूटीनबद्ध रखें और सुबह में आप 12 बजे रात में सोएं या 2 बजे सोएं, लेकिन सुबह में 6-7 बजे बिस्तर निश्चित रूप से छोड़ दें और आप कहीं और आके ड्राइंग रूम में बैठ के बात करें। बिस्तर छोड़ना आपके लिए हितकारी रहेगा। ज़्यादा तनाव न लें, कार्यों से दूरी बना कर रखें। अनावश्यक कार्यों से आपको जो सही लगता है, ज़्यादा काम करने के कारण भी आपका सेहत प्रभावित हो सकता है, तो उचित और महत्वपूर्ण जो काम है वही काम करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं फटाफट से कि मकर राशि वालों का आज का दिन क्या कहता है उनका दैनिक राशि। मकर राशि वालों के लिए अनुकूलता के योग है। संयमित होकर और थोड़े से बजटिंग कर अपने कार्यों को करें। आप देखेंगे कि लविशनेस के पूरे योग चल रहे हैं। आपको सुख समृद्धि में वृद्धि, वाहन आदि के लाभ और नई योजना के भी योग आपके बन रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कितना खास है। आज कुंभ राशि वाले के लिए जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको लाभ के योग बने हुए। संयमित होकर आप अपने आप को बेहतर करने के एकाग्रचितता के साथ, क्योंकि आपकी जब पढ़ाई होती है तो आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तो आप एकाग्रचित होकर रहें, पढ़ाई करें और संभव हो तो आप अपनी पूजा स्थली पे जहाँ पूजा करते हैं या जहाँ पे पढ़ाई करते हैं एक गुलाब का फूल, एक अगरबत्ती जरूर रखें और पढ़ाई करें। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अंतिम राशि, जी हाँ मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए काफी बेहतर समय बना हुआ है। भाग दौड़ की स्थिति के साथ साथ उन्नति के भी योग बने हुए हैं। माता पिता का सुख प्राप्त होगा, दोस्तों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से सबलता में प्रबलता के योग है। तो ये हमने आपको राशि अनुसार बताया है कि शुक्रवार, जी हाँ, आज का दिन आपका कैसा जाएगा, भाग्य आपका कितना साथ रहने वाला है। अब आइए जान लेते हैं कि आज ही के दिन जन्मे बच्चों का भविष्य आखिरकार क्या कुछ कहता है।
आज जो बच्चे जन्म लेंगे वो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेंगे, आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो काफ़ी कुशाग्र और तीव्र बुद्धि के होंगे। ऐसे बच्चे कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, वो अपने आप में कंप्यूटर होते हैं। आज वो जो बच्चे जन्म ले रहे हैं इनका भविष्य जो है शिक्षण कार्यों से या जो भी जिस क्षेत्र में रहेंगे उसमें सर्वोच्च रहेंगे। तो आज के दिन, जी हाँ, शुक्रवार का दिन है, शुक्र ग्रह का प्रभाव ज्यादा रहता है और ऐसे में शुक्र का प्रभाव किन राशियों के भाग्य को बढ़ाएगा और किन राशियों को थोड़ा बहुत संभल के रहने की आज जरूरत पड़ सकती है, आइए जान लेते हैं। जी, आज जो है खासकर सिंह राशि वाले और कन्या राशि वाले थोड़ा संभल कर रहे हैं। उन्नति के दृष्टिकोण से मीन राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले के लिए बेहतर समय है। चलिए अब जाते जाते जान लेते हैं कुछ छोटे मोटे उपाय जिसके करने से ना सिर्फ आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं बल्कि आज का दिन आपका अच्छा जा सकता है। परम पिता परमेश्वर ही हमारे माता पिता हैं, चूंकि हम लोग जब जाते हैं तो उन्हीं में मिल जाते हैं जी। तो अपनी बात जो है माता रानी से जरूर कहें और मंत्र जो है इस मंत्र से प्रणाम करते हुए या दुर्गा सप्तशती का सप्तश्लोकी श्लोक है आप उसको पढ़ते हुए माता रानी के चरणों में प्रसाद अर्पित करें, वो ग्रहण करें, देखें लाभ ही लाभ होगा। चलिए इसी के साथ मुझे और दिव्यज्ञ डॉक्टर शिपिन त्रिपाठी जी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपको हमारा ये खास कार्यक्रम, जी हाँ, धर्म ज्ञान का ये दैनिक राशिफल कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।